साहब। लड़की ने स्टेटमेंट दिया? नहीं, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। बैठा मैंने। कवर करना, चलो बाहर जाओ। यहां जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घबराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड लखनऊ से यहाँ पर हनीमून मनाने आए थे। हम लोग बाहर से मूवी देखकर वापस आए और मेरे हस्बैंड चाबी ले रहे थे, तभी वो दोनों गुंडे ऊपर से आए और मुझे बुरी नजर से देखने लगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूम में वापस आ गए। मैं बाथरूम में थी तभी आरामजादे दो थे। किसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग के सिवा कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मारे डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? बेंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से बात करके आया हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं, तुम कहां वादे को लेके बैठे हो। कायरो जैसी बातें मत करो भिंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूँ कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेल से। चिंदे जी सर, हेड ऑफिसर बाटला और याकूब लाल के नाम पे अरेस्ट वारंट निकालो। बेंडे, तुम्हारे बनी से एमिनेशन इशू करवाओ। गाड़ी और फोर्स तैयार करो, वी हैव टू मूव फास्ट। दोनों की फोटो छपी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है, अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफाक, आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं, इसलिए वो हरामी किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं, चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है? चल बेंडे, सबको हीरो बनना है। ये अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली। चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है। सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भांड जरूर रहते हैं। मतलब 11 बजे, 2 बजे करना क्या है? 12 से 3 तू संभाल बेटे, 3 से 6 तू संभाला, 6 से 12 मैं संभालता हूँ। क्या हुआ? जाने दीजिए। तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता, असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे? तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या, जो मेरे इलाके में आके मुझसे बदतमीजी कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपेगी। कौन है तू?
आफाक भागरा। साहब चाय। इंस्पेक्टर आफाक भागरा। मेरे को लेने आया थे। कैसे? पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा। मैं नक्की बोलता हूँ, मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा। बोलता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू, सूखा भिंडी, सारा रोज का हो गया। अरे यार, भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों, तेरी बीवी ने आज तेरे को खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया बहन। हेलो खीमा, अच्छा बनाती है तेरी बीवी, चक्कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम्ब मिलेगा। और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। अहमद, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा के बात लगा है। बेटे, तू फॉरेंस स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है। गाड़ी निकाल रहे। We'll be right back.
हम रोकेंगे। तुम गुनाह करोगे, हम ठोकेंगे। तुम हो तो हम हैं, और हमारा ये लफड़ा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। नहीं साहब, नहीं साहब। लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते। ये बात अपने भेजे में डालते बाटला। ले जाओ इस हरामखोर को।